माया, अब मिलिए उसी गुजरात की माटी से तशरीफ लाने वाले बिविंद गाढ़वी, मिलिंद माफ कीजिएगा मिलिंद बाबू जय माता जी। मेरी तरफ से और इस जगह बैठे हुए हर एक शख्स की तरफ से ये पहले दो शेर आपकी नजर। इरशाद। एक बंजारा पेड़ की छांव में रहता है, एक बंजारा पेड़ की छांव में रहता है, अब मेरा दिल तेरे पांव में रहता है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। एक बंजारा पेड़ की छांव में रहता है, अब मेरा दिल तेरे पांव में रहता है, और ऐसे रहता है तू मेरी आंखों में, ऐसे रहता है तू मेरी आंखों में जैसे कोई मंदिर गांव में रहता है। वाह 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 वाह। ऐसे रहता है तू मेरी आंखों में जैसे कोई मंदिर गांव में रहता है। तो हम अपनी मस्ती में गाया करते हैं, हम अपनी मस्ती में गाया करते हैं, दुनिया वाले आया जाया करते हैं। हम अपनी मस्ती में गाया करते हैं, दुनिया वाले आया जाया करते हैं, और जब भी उनकी यादें मिलने आती हैं, जब भी उनकी यादें मिलने आती हैं, जब भी उनकी यादें मिलने आती हैं, आंसू अपना धर्म निभाया करते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब भी उनकी यादें मिलने आती हैं, वाह 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 वाह, जब भी उनकी यादें मिलने आती हैं, आंसू अपना धर्म निभाया करते हैं, और तन्हाई पास आकर बैठा करती है, तन्हाई पास आकर बैठा करती है, हम भी उसको शेर सुनाया करते हैं। बहुत तन्हाई पास आकर बैठा करती है, हम भी उसको शेर सुनाया करते हैं। तो जीत वालों को पशेमान बहुत करता हूं, जीत वालों को पशेमान बहुत करता हूं, हार भी जाऊं तो हैरान बहुत करता हूं। वाह 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 वाह। जीत वालों को पशेमान बहुत करता हूं, हार भी जाऊं तो हैरान बहुत करता हूं, मैं दिया हूं मुझे शायद वो बुझा दें, लेकिन मैं दिया हूं मुझे शायद वो बुझा दें, लेकिन आंधियों को मैं परेशान बहुत करता हूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मैं मोहब्बत का कोई शेर हूं, चौपाई हूं। क्या कहने, मैं मोहब्बत का कोई शेर हूं, चौपाई चौपाई हूं, जंग वालों का मैं नुकसान बहुत करता हूं। मैं मोहब्बत का कोई शेर हूं, चौपाई हूं, जंग वालों का मैं नुकसान बहुत करता हूं। तो नौकर हटा दिए कभी अफसर हटा दिए, नौकर हटा दिए कभी अफसर हटा दिए, हमने पुरानी सोच के दफ्तर हटा दिए। क्या कहने। और पैरों का जुर्म था मगर ठोकर के नाम पर, पैरों का जुर्म था मगर ठोकर के नाम पर, लोगों ने आज मील के पत्थर हटा दिए। भाई वाह 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 वाह। पैरों का जुर्म था मगर ठोकर के नाम पर, बहुत अच्छे मिलिंद साहब, लोगों ने आज मील के पत्थर हटा दिए, और सारे सितारे तोड़कर आंसू बना लिए। क्या कहने, वाह वाह। सारे सितारे तोड़कर आंसू बना लिए, इन मजनुओं ने रात के जेवर हटा दिए। वाह। सारे सितारे तोड़कर आंसू बना लिए, इन मजनुओं ने रात के जेवर हटा दिए, और दिन रात छत पे नाचते थे कूद कूद कर, दिन रात छत पे नाचते थे कूद कूद कर, दिल से तेरे ख्याल के बंदर हटा दिए। दिन रात छत पे नाचते थे कूद कूद कर, दिन रात छत पे नाचते थे कूद कूद कर, दिल से तेरे ख्याल के बंदर हटा दिए, और हमने तमाम शहर को खुददार कर दिया, हमने तमाम शहर को खुददार कर दिया, हमने तमाम शहर को खुददार कर दिया, झुकते थे सर जहां जहां वो दर हटा दिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमने तमाम शहर को खुददार कर दिया, झुकते थे सर जहां जहां, झुकते थे सर जहां जहां वो दर हटा दिए। आखिरी कुछ शेर बाबू, कि उसे
उलझन में रखने का इरादा भेज देता हूँ। वाह वाह, उसे उलझन में रखने का इरादा भेज देता हूँ। मैं अंदर खत नहीं रखता, लिफाफा भेज देता हूँ। उसे उलझन में रखने का इरादा भेज देता हूँ। मैं अंदर खत नहीं रखता, लिफाफा भेज देता हूँ। और महीने भर में करता हूँ इकट्ठे आंसू के सिक्के। महीने भर में करता हूँ इकट्ठे आंसू के सिक्के। फिर उसके दिल में रहने का किराया भेज देता हूँ। महीने भर में करता हूँ इकट्ठे आंसू के सिक्के। फिर उसके दिल में रहने का किराया भेज देता हूँ। तो खुदा से और एक बाजी गंवा कर लौट आया हूँ। खुदा से और एक बाजी गंवा कर लौट आया हूँ। मैं अपने आखिरी पत्ते बिछा कर लौट आया हूँ। और सुना है कि वहाँ खामोशियों की बाढ़ आई है। सुना है कि वहाँ खामोशियों की बाढ़ आई है, जहाँ कल शाम में गजलें सुना कर लौट आया हूँ। बहुत अच्छे भाई मिलिंद जी। हम समझते थे कि हम यूपी वाले ही अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन आप दो लोगों ने हमें चौंकाया और हमें बता दिया कि कभी फ़ख्र या गुरूर ना करना कि शायरी यूपी में होती है, शायरी गुजरात में भी होती है। जाहिर है जहां बापू पैदा हुए हैं वहां शायरी भी होगी, दानिश्वरी भी होगी, दर्शन भी होगा, फ़लसफ़ा भी होगा। और इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि गज़ल के हुस्न को आप संवारे हुए हैं, सजाए हुए हैं, आँखों से लगाए हुए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। शायरी दरअसल अंदर की तहजीब के इजहार का नाम है। हम अंदर से कितने महज़ब हैं वही शायरी है। और दुनिया में बापू अंदर की जो तहजीब है यही शायरी है। और दुनिया में तहजीब कभी नहीं टकराई है, जब टकराई हैं तो वहशतें टकराई हैं। हमारे अंदर का जंगलीपन टकराया है, हमारे अंदर की तहजीब कभी नहीं टकराई है। और शायरी के ज़रिए हम अंदर से अगर महज़ब होते रहे तो बापू के ख्यालात की दुनिया आज नहीं तो कल ज़रूर बन जाएगी। और अब मैं फिर उस गज़ल की तरफ आपको ला रहा हूँ जिस गज़ल में ज़िंदगी मुस्कुराएगी, ज़िंदगी सच बोलने का हौसला दिखाएगी। और आप यकीन करेंगे कि ये शायर अगरचे उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी आँखों ने तजर्बात के कितने नशे व फराज देखे हैं। क्या